हेलो एवरीवन, आज हम लोग बनाने वाले हैं पोहे के कटलेट। तो सबसे पहले हम लेंगे पोहा। इसको हमने धो के 5 मिनट के लिए रख दिया था। एक कटोरी रवा, आलू बारीक किसे हुए, प्याज, और ये मैंने बनाया हुआ है पालक, फली दाने, लहसुन, हरी धनिया और अदरक का पेस्ट। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये पेस्ट जो हमने बनाया ये ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने किसके रखे थे आलू, तो ये मैंने पानी में रखे हुए हैं क्योंकि हम हेल्दी चीज़ें बना रहे हैं, इसलिए हम इसको इसका स्टार्च पूरा निकाल देंगे। वैसे भी स्टार्च हमें निकाल देना चाहिए। स्टार्च मैंने पूरा निकाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये हमने जो मैंने थोड़े से प्याज के जो है वो स्लाइस कर पीस लिए थे, बाकी हम मैंने थोड़े से जो प्याज है उसको कट करके रख लिया था ताकि उसका जो टेस्ट है वो उसमें आए। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, यदि आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा लाल मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ा सा धना पाउडर, हरा धना, एंड अमचूर। अगर आपके पास कर्ड हो, वैसे कर्ड नहीं ऐड करते हैं, नींबू ऐड कर सकते हैं आप इसमें, अमचूर। सॉल्ट फॉर द टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, एंड थोड़ी सी शुगर मैं इसमें ऐड करूंगी क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। देन मैगी मसाला, क्योंकि मैगी मसाला जो होता है वो मेरा तो फेवरेट है और उससे ना थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। फिर हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो मिक्सचर है वो कुछ इस तरीके से बन गया है। अब हम इस मिक्सचर की छोटी छोटी सी इडलियां बना लेंगे, मतलब लोई लेके इनको शेप दे देंगे। मैंने इनके राउंड शेप्स दिए हैं इस तरीके से।